देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। इस संबंध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि के बाद महंगाई दर में भारी वृद्धि हुई है, जिसका असर किसान और नौजवान पर भी पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पेट्रोल में वृद्धि, वापस लो। अंशुमान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसान सभा। आज डीजल पेट्रोल में जो वृद्धि जो सरकार ने किया है, उससे निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का भार गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, मतलब इस देश के हर जो है गरीब जनता और किसान के ऊपर उस महंगाई की मार पड़ेगी। और इसी को हम लेकर के हम लोग आए हैं, डीएम महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि इसको अविलंब डीजल पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमत को वापस लें, नहीं तो हम इसके लिए बाध्य होकर के 10 दिन के अंदर आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इनके पास आए हैं, डीजल और पेट्रोल की महंगाई को और उनको वापस करने के लेकर के मांग को आए हैं।